मुंबई शहर के बीच में एक डायमंड पैलेस था, जहां बहुत सुंदर सुंदर डायमंड रखे थे। डायमंड के आसपास बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी कि अगर कोई डायमंड को छुए तो अलार्म बज जाता था। लेकिन फिर भी एक शाकी चोर बड़ी होशियारी से डायमंड चुरा लेता है और पीछे वाले गार्डन से भागता है, तो पुलिस उसका पीछा करते हुए गार्डन में पहुंच जाती है। लेकिन वहां उन्हें तीन रास्ते दिखते हैं, जो चोर ने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए फुटप्रिंट बना दिए हैं। तो क्या आप इन तीनों भी फुटप्रिंट को देखकर बता सकते हो क्या कि चोर कौन से रास्ते से भागा होगा, 1, 2 या 3? तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए, चोर शातिर तो था, लेकिन भाई इतना भी स्मार्ट नहीं था। उसने कुछ गलतियां कर दी। पहले वाले के फुटप्रिंट को देखिए, जिसमें पैरों के निशान आजू बाजू है, लेकिन जब कोई भागता है ना, तो पैरों के निशान आगे पीछे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे में फुटप्रिंट के निशान उल्टे हैं, राइट लेफ्ट में है और लेफ्ट राइट में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब चोर तीसरे रास्ते से भागा है। पुलिस इसे तुरंत समझ जाती है और तीसरे रास्ते से चोर का पीछा करती है। दोस्तों, पजल पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, भाई आपको तो सभी सिटी के नाम पता है ना, तो इस पर मैं आपको एक पहेली पूछती हूँ। आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस सिटी का नाम बनेगा। तो जरा सोचो सोचो। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। मेक का मतलब बना होता है और जूस का मतलब रस, तो हो गया ना बनारस। तो चलिए फिर से आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस सिटी का नाम बनेगा। तो नाउ टाइम इज स्टार्ट। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं और उस सिटी का नाम बनेगा हरिद्वार। देखिए भाई, ग्रीन का मतलब हरी होता है और डोर का मतलब द्वार, तो दोनों मिलाकर हो गया ना हरिद्वार। तो चलिए जल्दी से फिर से आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए भाई, ट्री को इससे नहीं बल्कि एक्स से काटते हैं, तो बस इस पिक्चर में यही एक गलत था। दोस्तों, आपने इनमें से कितने के सही जवाब दिए थे, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था मंदोदरी। तो उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: ऋषभ कुमार, संस्कृति भोसले, चिमकांडी भैया, आसिफ भाई, देव मुरारी, परेश भाई। दोस्तों, आप पांचों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि यह किस खाने की डिश का नाम है। तो अच्छे से सोचिए, क्योंकि यह तो हम सभी की फेवरेट डिश है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब।
तो चलिए इसका जवाब देखते हैं और उस डिश का नाम बनेगा रोटी। तो देखिए भाई, सबसे पहले इमोजी रो रही है और बाद में है टी, तो दोनों मिलाकर हो गया ना रोटी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी पजल पसंद आई तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।